नमस्ते मित्रों, हेलो फ्रॉम बैंगलोर। सो वी आर बैक टू बैंगलोर। पहले आपने देखे होंगे घर वाले व्लॉग्स, और उस वाले व्लॉग पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया लास्ट व्लॉग पे, सो थैंक यू सो मच। तो अभी तो हम हैं बैंगलोर में, काफी दिन हो गए हमको आए हुए, बट यहाँ पे आके ना एक ही चीज जो हमको सबसे अच्छी लगी वो है वेदर। आते ही हमको जो रिलीफ मिला गर्मी से, क्योंकि आपको पता है इस टाइम पे नॉर्थ में एकदम पीक समर्स है। यहाँ पे मौसम मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ, खिड़की से आपको देख के ही समझ आ जाएगा कि कितना मस्त सा ठंडा ठंडा सा मौसम है। इतनी ठंड लग रही कि मैंने तो ये स्टॉल भी ले लिया हुआ है। तो गाइस, बालकनी में ये हमारी न्यू एडिशन है, ये दो चेयर्स और एक ये स्टूल, साथ में ये एक न्यू हम प्लांट लाए थे। ये वैसे ट्री है पर छोटे पॉट में लगाया है, तो इतना ज्यादा ये ग्रो नहीं करेगी, इसकी हाइट इतनी रहेगी। और एक ये वाला लिया था, ये फ्लावर है, इस पे येलो वाले फूल लगते हैं, बट अभी सूख गए, मतलब प्लांट नहीं सूखा है, खाली इसका सीजन चला गया फ्लावर वाला। और बाहर आप देखो बादल बादल और मस्त हवा चल रही है, ये देख लो नेट भी हिल रहा है, तो देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना मस्त और सुहाना सा मौसम है। ये देख लो पत्ते हिल रहे हैं ना इसके, मस्त हवा चल रही है एकदम। और ऐसे मौसम में गेस करो हमने आज क्या बनाया होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, आगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या बनवाया आज ब्रेकफास्ट में। गाइस, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम के साथ तो जाती है गर्मा गर्म पूरियां, साथ में हमारे पास है आलू, आलू की भाजी, साथ में है रायता और गर्मा गर्म चाय अदरक वाली। तो बस ये अभी हम लोग इंजॉय करने लगे हैं। मैं अरुण की वेट कर रही हूँ जो अपनी गेम में मस्त है, उनको गेम ज़्यादा प्यारी है, तो इसीलिए कल से वो पूरा दिन उन्होंने गेम पे लगा दिया। अभी कह रहे गेम ख़त्म करूँगा फिर मैं खाना खाऊँगा, और इतनी देर को भूख लग रही है गेम तो ये देखो ये गेम खेल रहे हैं, ट्रैफिक जाम हटाने वाले मोटर वॉट मिनी मोटर। अरे बस करो, मेरे को भूख लग रही है, चलो साथ में खाएंगे। सो गाइस, अदरक वाली चाय पी के ना मजा आ जाएगा। और ये आगे पीछे ट्रेन, आपको आवाज आ रही होगी ट्रेन के हॉर्न की। तो अभी हमारा प्लान ये है, जब से भी हम बैंगलोर आए ना हम लोग इतने बिजी थे, तो काफी वैसे तो काम में बिजी थे, फिर लास्ट सैटरडे संडे और उनको काफी काम था, तो उन्होंने सोचा चलो पहले अपना काम खत्म कर लेते हैं, तो इसीलिए हम कहीं जा नहीं पाए, निकले नहीं काफी दिनों से ना, घर पे ही बैठे हुए। तो बस आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा निकलते हैं बाहर, मौसम भी बढ़िया है, तो हम सोच रहे हैं पास में एक मॉल है फोरम शांति निकेतन, वहां जाएंगे और मूवी देखना चाहते थे, एक तो कल की और एक वो जट एंड जूलियट, पर इतनी फास्ट सेलिंग टिकट्स है ना उसकी कि मिल ही नहीं रही। अभी हम देख रहे हैं तो नीचे नीचे की सीट्स मिल रही है, उसमें तो मजा नहीं आएगा। हम चाहते हैं मेरे को तो चाहिए रिक्लाइनर सीट, एकदम ऊपर टॉप वाली रिक्लाइनर सीट मिल जाए, पर बाप रे ऐसी सीट्स फिल हो रही है ना पूछो मत। मतलब अभी मैं अगर चेक कर रही हूँ नेक्स्ट वीकेंड की, तो वो भी ऑलमोस्ट फुल दिखा रहा है, तो अभी देखते हैं कब हमको मौका मिलेगा। पर फिर भी हमने सोचा अभी टिकट नहीं हो पा रही, तो उस बहाने फिर हम जा भी नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है चलो मूवी फिर कभी देख लेंगे और जा ही आते हैं। तो बस मैं अपनी चाय खत्म करती हूँ फटाफट से, उसके बाद हम आपको मिलते हैं मॉल में। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड आवर मॉल। तो पहले हमको कहीं और काम था, वहां पे गए और वही वाली पार्किंग पे ना कार छोड़ा है, वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे मॉल था, तो थोड़ा वॉक करके हम लोग आ गए। अभी बस मॉल की एंट्रेंस पे है बाहर। So guys, हम वेस्ट साइड घूम रहे हैं, बहुत लंबाई है आपको, तो आए हम किसी और काम के लिए थे और अब हो रही है शॉपिंग। नाइट टुडे ये तो फाइनल हो गया है, किसी की बिलिंग कराने चल रहे हैं। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे आइसक्रीम या फिर कुछ कुकीज खाने। कुकी और हमने ली है ब्लूबेरी आइसक्रीम और वन डबल चॉकलेट।
बाहर निकले रहा बन गया बस जो दिख रहा है सब खा लो। सो गाइस मैं ही आ गया आज तो ना, बट ये लड़का ना क्या ही बताऊं मैं, पता नहीं किसकी आत्मा आ गई अरुण में। दो दिनों से पहले तो मैंने बोला ना घर पे इरिटेट कर दिया था इन्होंने मेरे को गेम खेल खेल के, और मॉल में भी ना तंग कर दिया इन्होंने, मतलब तंग कर दिया मेरे को। फिर बोलते फिर कहते इतना घुमाया खिलाया पिलाया और ये लड़की खुशी नहीं है। तो मैंने कहा आप तो चेंज नहीं हो ना, आप तो सभी जगह आप तो कॉन्स्टेंट ही थे बस। पर चलो एनीवे बड़े शरीफ कैमरा में शरीफ हो जाते हैं। अच्छा मैं बताती हूँ क्या किया। पहले हमारा ना कल प्लान बना जाने का, कहीं हमने जाना था किसी काम से, तो उसके बीच में हमारे पास एक घंटा था बच रहा था। तो मैंने इनको बोला मैं ऐसे करती हूँ, पहले मैंने ट्रैक सूट डाला था, इन्होंने भी शॉर्ट्स डाली थी, ठीक है। तो हम क्योंकि ऐसे जा रहे थे कहीं, तो मैंने कहा ऐसे करेंगे एक घंटा बीच में तो मॉल चले जाते हैं। कहते अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो गई, ये भी तैयार हो गए। फिर आए कहते कल जाएंगे आज नहीं जाएंगे आज ना, और जहाँ जा रहे थे वो भी कैंसिल कर दिया। और रेडी थी मैं, ये खुद भी रेडी थे। अब सोच लो वैसी हरकतें करते हैं जितने भी लेडीज है ना, आप लोग कमेंट करके बताओ कोई आपके साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा। और ये दूसरी बार किया, एक बार तो जो हम पिछले फ्लैट में रहते वहाँ भी पूरा रेडी होगी मैं जाने के लिए, दरवाजे पे पहुंचे वहां पे इन्होंने प्लान कैंसिल किया। अब बताओ कैंसिल नहीं किया, कोई बेटर ऑप्शन नहीं। अच्छा ठीक है आज आए ना, आज आ गए ठीक है, तो आज आ गए, आज भी वही पहले काम किया। फिर कहते चलो अब घर चले। मेरे को कल तो आप बड़े अच्छे अच्छे वो ऑप्शन दे रहे थे कि हम घूमेंगे पूरा दिन फ्री होगा, अब क्यों घर चलो। फिर अच्छा फिर वापस मॉल आए, फिर खा लिया सुपीरियर सब कर लिया, फिर कहते चलो चलो अब घर चलते हैं। पहले मेरे को बोलते हम मूवी देखेंगे ये करेंगे, ना मूवी देखी ना कुछ किया पर चलो खा पी लिया वही बहुत मजा आ गया। अब तो वैसे वही थक भी गई हुआ है, अब हम जाएंगे सो जाएंगे मजे से बस, डे वेल स्पेंट। बाकी मैंने तो नाइट सूट चेंज कर लिया, जो ये नया वाला लिया था ना नाइट सूट यही डाल दिया। तो मिंत्रा से एक्चुअली मैंने काफी सारी चीजें मंगाई थी, उस पर भी ऑफर चल रहा था ऐसे कि बाय वन गेट टू एट डिस्काउंट। तो अच्छी मैंने एक जीन्स मंगाई, साथ में मेरे को दो मतलब तीन जीन्स मेरे को मिली 2000 में। तो मैंने कहा यार अच्छी डील है। तो पर उसमें से जो दो जीन्स थी वो तो मेरे को रिटर्न करा के, उसके बदले मैंने एक जीन्स मंगाई है, और एक जीन्स के बदले रिटर्न करा के मैंने एक फ्लैट सैंडल्स मंगा दी क्योंकि वो भी मेरे पास नहीं थी। तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ओके नाइस पैकिंग, ड्रेस वरी से मैंने पहली बार ही मंगाया। सो ये रही गाइस, दीज आर माय न्यू सैंडल्स फ्लैट्स। सो कमेंट करके बताओ गर्ल्स आपको कैसा लगा, और अगर पसंद आया है तो मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगी। और ये क्लॉथ ना एक्चुअली बड़े काम के होते हैं, जैसे कहीं ट्रैवल करना ना तो इसमें अपनी स्लिपर्स कैरी कर लो तो अच्छा वो अच्छा रहता है, सुंदर है काफी। कलर भी मैंने ऐसा मंगाया थोड़ा पिंकिश सा, मतलब टैन जैसा ब्राउन जैसा, ताकि सबके साथ चला जाए, तो अच्छी लग रही है मेरे को। सो गाइस अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम आप लोगों को मिलते हैं थोड़ी देर में।